एक नवजात शिशु के चारों ओर 1000 साल पुराना अजगर लिपटा हुआ है। जलाऊ लकड़ी काट रहे दो लोगों ने यह दृश्य देखा। छोटा भाई अजगर की असावधानी का फायदा उठाकर बच्चे को लेकर भाग गया। वह बहुत तेजी से भागा, लेकिन अजगर ने फिर भी पकड़ लिया। अजगर की नजर बच्चे पर पड़ी। बच्चा उसका आहार बनने वाला है। नुस जल्दी से बच्चे को गले लगाने के लिए दौड़ी और भाग गई। एक बड़े पेड़ के पीछे छिपने के बाद दोनों सौभाग्य से मौत से बच गए, लेकिन जब वे दोनों भाग गए तो उन्हें इसका पता नहीं चला। अजगर अचानक पृथ्वी पुरुष में बदल गया और जिस बच्चे को उन्होंने अभी अभी बचाया था वह नश्वर नहीं था। उसके बाद दोनों ने बड़े भाई को बच्चे को पालने के लिए घर ले जाने देने का फैसला किया। लेकिन जब वह घर आया तो उसकी पत्नी ने बच्चे को देखा और उससे नफरत करने लगी। एक और व्यक्ति को खिलाने से वे और भी गरीब हो जाएंगे। पत्नी ने उससे कहा कि इस बच्चे को ले जाकर फेंक दो, लेकिन वह नहीं जानती कि भविष्य में इस बच्चे का क्या होगा। फिर इस आदमी ने बच्चे को पाला। पिकुन बड़ा हुआ, उसे बेहद कठिन गृह कार्य करना पड़ा। बच्ची को उसकी दत्तक माँ ने भी पीटा था। वह अक्सर चावल नहीं खा पाती। नुस चुपके से पिकुन को चावल की एक प्लेट देता है, लेकिन पत्नी ने देख लिया। गोद लेने वाली माँ ने पिकुन के हाथ से चावल की थाली छीन ली। उससे कहा कि वह चावल की थाली उसके सिर पर डाल दे और घर छोड़ दे। पिकुन अपनी दत्तक माँ से बिना रुके माफी मांगता है, कृपया क्षमा करें। पिकुन ने कहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। पिकुन हर दिन पूजा स्थल पर अपने चावल का कटोरा रखता है। उन्होंने अपने परिवार के लिए हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रहने की प्रार्थना की। चाचा ने देखा कि लड़की बहुत दयनीय है तो उन्होंने उसे 2 केक दिए। लेकिन जब वह घर पहुंची तो माँ ने बच्ची का केक जमीन पर फेंक दिया। पिकुन 3 दिनों से भूख से मर रहा है, केवल अपनी दत्तक माँ के चावल लेने के लिए जमीन पर जाने के बाद इंतजार करने की हिम्मत कर रहा है। लड़की चावल धोकर फिर से खाने के लिए नदी किनारे गई। इस समय भूमि एक बूढ़ी भिखारी औरत में बदल गई। वह पिकुन के पीछे दिखाई देती है। अर्थलैंड पिकुन से कुछ पानी मांगना चाहता है और फिर उसकी 2 इच्छाएं पूरी करता है। पिकुन ने तुरंत अपना पानी लिया और भूमि को दे दिया। लड़की ने कहा कि उसे उम्मीद है कि उसका परिवार अमीर बन जाएगा। वह नहीं चाहती कि उसके माता पिता को अब लकड़ी काटनी पड़े। वह यह भी दुआ करती है कि जो लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं उन्हें बहुत किस्मत मिले। एक दूसरे बाद में कुछ अजीब हुआ। पिकुन के मुंह से सोने के फूल निकले। सोना पिकुन के कटोरे में गिरता है। मुंह से सोना गिरा सकती है ये लड़की। विस्मयादिबोधक चिन्ह। गरीब दत्तक माँ के पास तुरंत समृद्ध जीवन था, लेकिन गोद लेने वाली माँ हर दिन पिकुन को पीटती और डांटती थी। बस गुस्से में आकर माँ ने बच्ची को दोष दे दिया। उसने पिकुन के सिर पर उबलता पानी भी डाला। डिब्बे में थोड़ा ही सोना बचा था, उसने पिकुन से उसे दे दिया। संयोग से माँ जानती थी कि पिकुन सोना बना सकता है। बहुत पहले नहीं, पिकुन ने पानी पीने के लिए जमीन दी। उनका मानना है कि पिकुन को कल्पित बौने ने मदद की थी, तो क्या उसकी बेटी का ऐसा होना ठीक है? तो दत्तक माता ने अपनी बेटी को उस परी को खोजने के लिए स्वादिष्ट चावल बनाने की याद दिलाई। बेटी पैर टिकाने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गई। आखिर जमीन का देवता कहाँ मिल सकता है? इसी समय एक बदबूदार गरीब बूढ़ा अचानक प्रकट हुआ। बूढ़ा भिखारी वह चावल चाहता था जो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। लड़की ने तुरंत दुष्ट और दुष्ट बूढ़े को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह स्थान देवताओं का है, जो उसे सोना बनाने में मदद कर सके। उन्होंने इस जगह के होने का सपना नहीं देखा था। इतना कहकर युवती तेजी से भाग निकली। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो गिर गया और उसका पैर टूट गया। बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा कि वह परी को खोजने के बारे में न सोचे। सच्ची दिल वाले लोग ही परी की मदद प्राप्त कर सकते हैं। फरिश्ते सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करते हैं। यह सुनकर छोटी लड़की को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि बूढ़े ने उसे नीचे देखा। गुस्से में आकर लड़की ने उसे मारने के लिए अपने हाथ में लिए चावल का इस्तेमाल किया। इस समय लड़की के मुंह में अचानक एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। अचानक लड़की ने कीड़ों के झुंड को उल्टी कर दी। बच्ची रोती हुई घर चली गई। माँ ने सोचा कि उसकी बेटी को किसी परी का सहारा मिला है। वह अपने पड़ोसियों के सामने शेखी बघार रही थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बेटी ने कीड़ों के झुंड को उल्टी कर दी। पड़ोसियों को भी बेहद घृणा महसूस हुई। दत्तक माँ का मानना है कि यह पिकुन है जो उनकी बेटी को इस अजीब बीमारी का अनुबंध करने का कारण बनता है। उसे अपने पड़ोसियों पर भी शर्म आती है। उसने कमरे में प्रवेश किया और पिकुन के बाल पकड़ लिए। वह उससे पूछताछ करती रही। उसने पिकुन को जमीन पर खींच लिया, जिससे उसे सभी कीड़े खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसी समय पिकुन के मुंह से ढेर सारा सोना गिर गया। पड़ोसी बड़ा हैरान हुआ। तब दत्तक माँ ने अपने पड़ोसी का मुंह ढक दिया, सोना उठाया और उसे दे दिया। लेकिन इस पड़ोसी के पास ढेर सारी कहानियां हैं। बहुत जल्दी यह कहानी सबके कानों तक पहुंच गई है। पहाड़ के देवता ने ईमानदार पिकुन को देखा और बहुत उत्सुक भी थे। सबसे पहले उसने लड़की को सोना उगलने की क्षमता दी, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। उसी समय एक रहस्यमयी शक्ति है, 2 संदेशवाहक अग्नि राजा को स्थिति की सूचना दे रहे हैं।
रिकॉर्ड्स के अनुसार पिकुन मरने वाली है। फिर दो दूतों ने लड़की को दूर ले जाने की तैयारी के लिए खुद को पिकुन के घर में भेष बदल दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बेटी ने अत्यधिक भोग के कारण दोनों दूतों पर थूक दिया और पिकुन ने विनम्रता से अभिवादन किया। दोनों के पीने के लिए पानी लेने गए। दोनों दूतों ने देखा कि लड़की का दिल अच्छा है और वह उसे दूर ले जाना सहन नहीं कर सकती, इसलिए दोनों ने गुप्त रूप से गोद लेने वाली माँ की जैविक बेटी के नाम पर पिकुन नाम बदलकर लड़की का भाग्य बदल दिया। लड़की अपने मुंह से सोना उगल सकती है। लड़की अपनी क्रूर दत्तक माँ के परिवार के साथ अकेली रहती है। लड़की को रोज मेहनत करनी पड़ती है और जैविक बेटी खुश और मतलबी है। यहाँ तक कि पिकुन ने भी पिकुन को छुट्टियों पर रोशनी देखने की अनुमति नहीं दी। लालटेन उत्सव में शामिल होने के लिए पिकुन को केवल अपने दोस्तों के साथ छिपना और भेष बदलना पड़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह लड़की जो उत्सव में अभी अभी आई थी गलती से जमीन पर गिर गई और उसकी टोपी नीचे गिर गई। जब पुल पहाड़ से नीचे आया तो उसने उसे उठा लिया। पुल से टोपी की गंध आती है, यह खुशबू बहुत खास होती है। अगले दिन पुल टोपी लेने गया। पुलिस टोपी के मालिक की तलाश में इधर उधर हो गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे पड़ोस की बुढ़िया ने पकड़ लिया। लड़की ने टोपी सूंघी और तुरंत पहचान गई कि यह पिकुन की गंध थी। वह फिर पुल और उन तीनों को पिकुन के घर ले गई, लेकिन वे नहीं जानते थे पिकुन कल रात लालटेन उत्सव में चुपके से आ गया था। अगर उसकी दत्तक माँ को पता चला तो पिकुन निश्चित रूप से पिटेगी। पुल ने अपना हाइट लिया और पिकुन के घर चला गया। पुल ने अपनी दत्तक माँ की बेटी को टोपी के मालिक के रूप में गलत समझा। पुल ने उस टोपी को निकाल लिया जो उसने कल उत्सव में उठाई थी और उसे वापस करने वाला था। माली ने दौड़कर टोपी पकड़ ली। माली ने उस गंध को सूंघा और पाया कि यह पिकुन की सुगंध है। फिर उन दोनों ने पुल लोगों का पीछा किया। वह तुरंत पिकुन के पास गई। दत्तक माँ बिना एक शब्द कहे लड़की के बाल पकड़ने के लिए दौड़ी। उसने पिकुन को बहुत थप्पड़ मारा और लड़की को जमीन पर गिरा दिया। दत्तक माता ने क्रोधित होकर लड़की से कहा कि वह इस घर में दासी है, अगर लड़की ने कुछ गलत किया होता तो वह ऐसी ही होती। नान ने यह देखा और पिकुन के दत्तक पिता को खोजने के लिए दौड़ा। पिकुन को उसकी दत्तक माँ द्वारा बेरहमी से पीटे जाने के बारे में बताता है, लेकिन जब तक उनके दत्तक पिता वापस लौटे, पिकुन को उनकी दत्तक माँ ने बुरी तरह पीटा। पृथ्वी देवता अब लड़की को प्रताड़ित नहीं कर सकते। उन्होंने तुरंत अपनी दत्तक माँ को एक खेल सिखाया। वहीं नेप्ट्यून की बेटी ने जब से अपने दिल में खींची हुई तस्वीर देखी, उसकी बहुत याद आई। लड़की नेप्ट्यून को अलविदा कह दिया और पुल को खोजने दुनिया में आ गई। रात में जब पुल सो रहा था, नारा ने अपने आसपास के लोगों को कोमा में डाल दिया। लड़की पुल के सामने आ गई, धीरे से खींच को अपने हाथ की हथेली में रख लिया। नारा पुल को समुद्र के नीचे की दुनिया में वापस लाने की तैयारी करता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से रास्ते में भूकंप आया। बहुत जल्दी पुल जाग गया। पुल खुद को जाइंस और थंडर सेट के पास पाता है। मौका पाकर वह भाग निकला। इस तरफ गोद लेने वाली माँ पिकुन के सामने है। उसने पिकुन की ईमानदारी का फायदा उठाया और दयनीय होने का नाटक किया और सोना मांगा, लेकिन भोली पिकुन ने उसकी बातों को सच माना। जिस लड़की ने सोचा कि उसकी दत्तक माँ वास्तव में पश्चाताप महसूस करती है, लड़की ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ साथ उसका भी ख्याल रखेगी, इसलिए पिकुन ने उसे सोने का एक और ढेर दिया।